हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा है, बाइक टैक्सी को दिल्ली सरकार ने यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने कानूनी मंजूरी दे दी है। तो किस किस को ये कानूनी मंजूरी मिली है और बाइक टैक्सी चलाने के लिए क्या नियम बनाए हैं दिल्ली सरकार ने, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में प्रूफ भी दिखाऊंगा कि खुद केजरीवाल जी ने ये अनाउंस किया है। जो एग्रीगेटर पॉलिसी अभी पेंडिंग थी, हमने उसे मंजूरी दे दी है। तो कब से ये लागू होगी, और बाइक टैक्सी हो, चाहे आपका डिलीवरी का काम करने वाले हों, जैसे जोमेटो हो गया, फूड डिलीवरी हो गया, या फिर ई कॉमर्स हो गया, कोरियर का जो काम करते हैं, उन सभी के लिए जो है दिल्ली सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है और इसमें कुछ नियम भी बनाए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना दोस्तों, वीडियो छोटी सी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त जानकारियाँ सबसे पहले हमारे चैनल पे ही मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी ने यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद अनाउंसमेंट किया है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एग्रीगेटर व डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी को दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो एग्रीगेटर पॉलिसी जिसका आप इंतजार कर रहे थे, लगभग पौने दो महीने के बाद दिल्ली सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ, बाइक टैक्सी सेवाओं को कानूनी मान्यता मिलेगी। यहाँ जी दोस्तों, यहाँ पे जो बाइक टैक्सी के ऊपर जो आप लोग इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में लिखा है कि बाइक टैक्सी सेवाओं को मान्यता मिलेगी और कैब एग्रीगेटर को अपने बेड़े में ई वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे मेन पॉइंट मुद्दा जो है वो यहाँ पे ये है कि कैब एग्रीगेटर को अपने बेड़े में ई वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये एग्रीगेटर पॉलिसी लागू हो जाएगी, हालांकि केजरीवाल जी ने इसको मंजूरी दे दी है, अब ये एलजी साहब के पास जाएगी, जब एलजी साहब इसको पास कर देंगे तब ये कानून के रूप में लागू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास अभी जैसे आप लोग प्राइवेट गाड़ियाँ जो चला रहे थे, प्राइवेट मोटरसाइकिलें चला रहे थे, चाहे वो आप बाइक टैक्सी के रूप में चला रहे थे या फिर फूड डिलीवरी में या फिर ई कॉमर्स में चला रहे थे, तो वो जो चीज़ें हैं वो लगभग लगभग अभी फिलहाल तो चलती ही रहेंगी। लेकिन जो नए लोग इसमें जुड़ेंगे, जिनके जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, जो नए जुड़ेंगे, शायद उनको इलेक्ट्रिक अपनी बाइक को लेना पड़ेगा, या फिर अगले साल से हो सकता है कि कंपनी को ये दबाव डाला जाए कंपनी के ऊपर कि आप अपनी जो है कंपनी के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं उसका 30% हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील कीजिए। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ कि हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, यानी कि हिस्सेदारी बढ़ानी होगी, मतलब मान लीजिए अगर आपके पास 100 ड्राइवर हैं, बाइक राइडर हैं, तो 100 में से कम 25% तो इलेक्ट्रिक होने चाहिए और 75% जो बचे हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट किए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है वो इसका मतलब तो यही है। ठीक है, और नीचे वाली लाइन में जो लिखा है, केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को किराए पर लेने की अनुमति। और यहाँ पे एक चीज ये भी लिख दी है इन्होंने नीचे कि केवल अगर आपके पास इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन है तभी आप उसे किराए पर ले सकते हैं। जैसे कई क्या करते हैं, जो आजकल आपने देखा होगा, पेट्रोल की जो बाइक है उसको भी आप किराए पर ले लेते हैं। तो दिल्ली के अंदर केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को किराए पर लेने की अनुमति होगी और पेट्रोल की गाड़ी बिल्कुल किराए पर नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो ये खुद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट किया है और ये कल रात को इन्होंने ट्विटर हैंडल पे डाला है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों, थी वो जानकारी जो खुद अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।